प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, और सभी छात्र छात्रों यहाँ पे बैठे हुए सभी अतिथिगण को पंडित अमरूप पांडे की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इस विद्यालय के प्रमुख शिक्षक माननीय जागीर यादव जी के कठिन परिश्रम से यहाँ पे बैठे हुए सभी जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं विद्यार्थियों को, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके बराबर से हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। दोस्तों, मैं अपने भाषण शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, आजादी एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया हुआ है। आजादी की चाहत किसको नहीं होती है, जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक होती है। दोस्तों, 1857 में अंगल पांडे जी के द्वारा आजादी का पहला बिगुल बज चुका था। अंग्रेजों के अत्याचार से पूरा जन जन त्रस्त था। उनके आम आदमी व्यवहार से पूरे भारतवासी पीड़ित थे। आखिरकार भारत माता के वीर सपूतों ने अपना सब कुछ निछावर करके 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के अत्याचार दास्ता से हमें आजादी दिलाई। मैं दो लाइन की पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दोस्तों, ये आजादी हमारे लिए अमूल्य है क्योंकि इसमें असंख्य भाई बहनों बंधुओं का त्याग तथा बलिदान समाहित है। ये आजादी हमें उपहार नहीं मिली है, वंदे मातरम, इंकलाब, जिंदाबाद और भारत माता की जय की गर्जना करते हुए अनेक देशभक्त फांसी पर झूल गए। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड रक्त रंजित भूमि आज भी देशभक्तों की बलिदान की गवाही दे रही है। दोस्तों, मैं कुछ लाइन की पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। करता हूँ भारत माता से गुजारिश, करता हूँ भारत माता से गुजारिश, तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म में मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, या फिर कभी जिंदगी ही ना मिले, या फिर कभी जिंदगी ही ना मिले। दोस्तों, आजादियां तो आती हैं, अपने साथ कई कई जिम्मेदारियां भी लाती हैं, जिन जिम्मेदारियों को हम सबको ईमानदारी पूर्वक उस पर निर्वाह करना चाहिए। किंतु ये आज हम आजादी के 72 वर्षों बाद भी उसकी वास्तविकता समझ रहे हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी इस मुश्किल से आजादी का उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। जिस आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, भारत माता के सम्मान के लिए अपने सब कुछ निछावर कर दिया, क्या इस आजादी के लिए हम ऐसे करते जाने देंगे? नहीं, अपने देश से भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, नक्सलियों, आतंकवादियों और देशद्रोहियों से आजादी दिलाने की आवश्यकता है। हम आजाद देश के आजाद नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाए और भारत को फिर से गुरु बनाए। मैं कुछ लाइन की पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मित्रों, ओ भारत हमें जान से प्यारा, ओ भारत हमें जान से प्यारा, माता सीता और भगवान श्री राम की धरती है जो ऐसा भारत देश है हमारा। ओ भारत हमें जान से प्यारा, माता सीता और भगवान श्री राम की धरती है जो ऐसा भारत देश हमारा है। भारत की शान तिरंगा है, भारत की शान तिरंगा, इसे ना झुकने देंगे हम, वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने देंगे हम, वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने देंगे हम। न जाति देखा न भाषा देखा, सबको अपना मित्र बनाया, न जाति देखा न भाषा देखा, सबको अपना मित्र बनाया। वो बांग्लादेश या पाकिस्तान हमने सबको गले लगाया, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान हमने सबको गले लगाया। तीसरण हमने सबको जब कोई संकट में आया, भूखे रहकर भी हमने सबको खाना खिलाया, भूखे रहकर भी हमने सबको खाना खिलाया। हम भारत माँ के रक्षक हैं, हम भारत माँ के रक्षक हैं, माँ की रक्षा करेंगे हम। अगर बुरी नीयत जो देखेगा, अगर बुरी नीयत जो देखेगा, उसका अंत करेंगे हम। वंदे मातरम जय श्री। देखिए, जब जोशीला भाषण होता है तो जोश पैदा हो जाता है, तो जोश पैदा